क्लास मार्क ऑफ द क्लास 92-120 इज, बेटा हमें क्लास मार्क निकालना है 92-120 क्लास का, एंड व्हाट इज 90 है, इट इज लोअर लिमिट एंड 120 इज अपर लिमिट, एंड क्लास मार्क का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, इट इज लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। तो अब हम वैल्यूज डालते हैं फॉर्मूला में, लोअर लिमिट इज 90 इन दिस केस एंड अपर लिमिट इज 120, सो इट वुड बी 90 प्लस 120 अपॉन 2। 90 प्लस 120 इज 210 अपॉन 2, सो 105 इज द क्लास मार्क, सो ऑप्शन बी इज अवर आंसर। द रेंज ऑफ द डाटा, हमें बेटा इसमें रेंज निकालनी है डाटा की, और रेंज निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, सो विच इज द हाईएस्ट वैल्यू अमंग दीज नंबर्स, इट इज 32। हाईएस्ट वैल्यू हमारी क्या है बेटा, 32 माइनस लोएस्ट वैल्यू, लोएस्ट वैल्यू मीन्स सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 6, तो 32 माइनस 6 करेंगे विच इज इक्वल टू 26, सो ऑप्शन डी इज अवर आंसर। इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द मिड वैल्यू ऑफ अ क्लास इज 10, मिड वैल्यू को बेटा हम क्लास मार्क भी कहते हैं, मिड वैल्यू का अदर नेम है क्लास मार्क, और क्लास मार्क हमें कितना दिया 10, विथ ऑफ द क्लास विच इज ऑल्सो नोन एज क्लास साइज, क्लास विथ को क्लास साइज भी कहते हैं, इज 6, एंड वी हैव टू फाइंड द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास, हमने क्लास की लोअर लिमिट निकालनी है, सो फॉर्मूला फॉर लोअर लिमिट ऑफ क्लास इज इक्वल टू क्लास मार्क माइनस हाफ क्लास साइज, और अपर लिमिट का फॉर्मूला होता है क्लास मार्क प्लस 1/2 क्लास साइज, बट इस क्वेश्चन में सिर्फ हमें लोअर लिमिट निकालनी है, तो हम लोअर लिमिट का ही फॉर्मूला यूज करेंगे, बट यू कैन राइट दिस फॉर्मूला, अगर अपर लिमिट फाइंड करनी हो किसी क्वेश्चन में तब ये फॉर्मूला यूज होगा, फॉर डैट यू कैन राइट इट। तो अभी तो हम लोअर लिमिट फाइंड कर रहे हैं, क्लास मार्क कितना इधर बेटा, इट इज 10, मिड वैल्यू को मैं अगेन बता रहा हूँ इज ऑल्सो नोन एज क्लास मार्क, 10 माइनस हाफ क्लास साइज, और विथ ऑफ द क्लास को क्लास साइज कह सकते हैं, 10 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई 6, सो ये होगा 10 माइनस, अब हाफ ऑफ 6 इज 3, तो इट विल बी 10 माइनस 3 एंड 10 माइनस 3 इज 7, सो ऑप्शन बी इज अवर आंसर। द विथ ऑफ ईच ऑफ 5 कंटिन्यूअस क्लासेस इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 5 एंड द लोअर क्लास लिमिट ऑफ द लोएस्ट क्लास इज 10, द अपर क्लास लिमिट ऑफ हाइएस्ट क्लास इज, इट इज क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, विथ ऑफ ईच 5 कंटिन्यूअस क्लासेस, अभी कंटिन्यूअस क्लासेस क्या है बेटा, जैसे हम लिखते हैं ना जब हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं उसमें लेते हैं क्लास इंटरवल, उन्हीं को हम क्लासेस भी कहते हैं, और क्लास इंटरवल में जो क्लासेस क्लासेस कैसे किस फॉर्म में होती हैं, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट की फॉर्म में, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, फिर यहाँ पर जैसे एक लोअर लिमिट होगी फिर अपर लिमिट, फिर दूसरी क्लास में भी लोअर लिमिट और अपर लिमिट, लेकिन जो कंटिन्यूस क्लासेस होती हैं उनमें ये दोनों अपर लिमिट फर्स्ट क्लास की और लोअर लिमिट सेकंड क्लास की सेम रहती है, तो इन्हें हम क्लास इंटरवल और क्लासेस भी कहते हैं। ओके, तो हमें कहा है कि विथ ऑफ ईच ऑफ 5 कंटिन्यूस क्लासेस इन इस फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 5, यानी कि जो इनके बीच का डिफरेंस है ना लोअर लिमिट और अपर लिमिट का, वो 5-5 का डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है बेटा, 5-5 का, तो एंड लोअर क्लास लिमिट ऑफ द लोएस्ट क्लास, अब लोएस्ट क्लास कौन सी होगी, फर्स्ट क्लास, क्योंकि टोटल 5 क्लासेस हैं, तो हम लोएस्ट क्लास से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्लास से, तो उसकी लोअर लिमिट क्या है,
टेन, जैसे लिखा मैंने लोअर लिमिट टू अपर लिमिट। अब इधर इसके बाद यहाँ पर क्या आएगी, अपर लिमिट। जैसे इधर अपर लिमिट है, अब अपर लिमिट हमें कैसे देखनी है बेटा, हमें देखना होगा कि विथ ऑफ द क्लास क्या है। विथ को हम और क्या कहते हैं, विथ ऑफ द क्लास को क्लास साइज भी कहते हैं, याद रखना बेटा, विथ को हम क्लास साइज भी कहते हैं। अब हमें अपर लिमिट कैसे मिलेगी, मैंने कहा ना जो ये क्लास साइज होता है या क्लास विथ होती है वो अपर लिमिट और लोअर लिमिट का डिफरेंस होता है। तो ये डिफरेंस 5 कब रहेगा, जब यहाँ पर 15 होगा, 15 माइनस 10 5 होता है, तो क्लास साइज या क्लास विथ 5 रहेगी। तो और आप ऐसे भी कर सकते हो कि लोअर लिमिट में 5 प्लस कर दो तो आपको अपर लिमिट मिल जाएगी, यानी क्लास विथ प्लस कर दो लोअर लिमिट में तो आपको अपर लिमिट मिल जाएगी। अब मैंने कहा हमें, अब ये हमें फर्स्ट क्लास इंटरवल मिल गया, फर्स्ट क्लास इंटरवल और फर्स्ट क्लास मिल गई, यू कैन से डैट ऑल्सो। अब इसकी ये कंटिन्यूस क्लासेस है, 5 कंटिन्यूस क्लासेस, तो सेकंड क्लास क्या होगी, देखो ये अपर लिमिट है तो ये इसकी सेकंड क्लास की लोअर लिमिट हो जाएगी। और मैंने कहा ना क्लास विथ कितनी है 5, तो डिफरेंस तो सब जगह 5 का रहेगा, यहाँ भी 5 का होगा। अगेन अब कंटिन्यूस है तो थर्ड क्लास इंटरवल क्या होगा, 20, जैसे ये मैच करना चाहिए बेटा, कंटिन्यूस क्लासेस है और अगेन क्लास साइज 5 है तो डिफरेंस 5 का रहना चाहिए 25। अब हमने ऐसे 5 क्लासेस लिखनी है पहले, और 25 टू 30 हो जाएगा ये, अभी कितनी हो गई 4 क्लासेस हो गई, 5 कंटिन्यूस क्लासेस लिखनी है, एक क्लास हो रही लिखनी है बेटा हमने। तो कंटिन्यूस क्लासेस में यहाँ लोअर लिमिट सॉरी अपर लिमिट जो है फोर्थ क्लास की 30 है, तो लोअर लिमिट ऑफ फिफ्थ क्लास क्या होगी, 30 ही होगी, और इसकी अपर लिमिट क्या रहेगी, डिफरेंस हमने 5 रखना है तो ये 35 हो जाएगा, 30 टू 35, तो ये 5 क्लासेस हो गई। अब हमें फाइंड क्या करना था बेटा, द अपर क्लास लिमिट ऑफ द हाईएस्ट क्लास। तो हाईएस्ट क्लास कौन सी है हमारी, 30 टू 35। अब इसकी अपर क्लास लिमिट कौन सी है, दैट इज 35। लोअर तो 30 है लेकिन अपर क्लास लिमिट क्या है बेटा, 35। सो द अपर क्लास लिमिट ऑफ हाईएस्ट क्लास इज 35। सो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन सी। लेट एम बी द मिड पॉइंट एंड एल बी द अपर लिमिट ऑफ द क्लास इन अ कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। द लोअर क्लास लिमिट ऑफ द क्लास इज, बेटा इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है, एम दिया है मिड पॉइंट, मिड पॉइंट को हम और किस नेम से जानते हैं बेटा, क्लास मार्क के नेम से, मिड पॉइंट और क्लास मार्क इज सेम थिंग। एंड फॉर फॉर्मूला फॉर इट इज लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन टू, ये फॉर्मूला बेटा आपको याद रखना होगा क्लास मार्क का, डेट इज लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन टू। अब इस क्वेश्चन में बेटा मिड पॉइंट यानी कि क्लास मार्क हमें कितना दिया, एम दिया, राइट, और एल बी द अपर लिमिट, एल क्या है, अपर लिमिट है, मैं अब एल लिख देता हूँ, प्लस अब हमें फाइंड क्या करना है, द लोअर क्लास लिमिट, तो यहाँ पर प्लस का साइन आएगा और लोअर क्लास लिमिट को हम एक्स कर लेते हैं, ओके, अपॉन टू। सो अब इसको हम एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, सो वो कैसे होगी बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई एम मल्टीप्लाई टू करेंगे, इट वुड बी टू एम, टू एम इज इक्वल टू एक्स प्लस एल। सो व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स विल बी, ये टू एम है, इधर हमारे पास प्लस एल है, इसको हम टू एम के साथ ट्रांसपोज करेंगे, शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस एल बन जाएगा। तो x यानी कि लोअर लिमिट विल बी 2m माइनस l, सो ऑप्शन b इज आवर आंसर। द क्लास मार्क्स ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर गिवन एज फॉलो, 15, 20, 25। ये बेटा हमें क्लास मार्क्स दिए हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के, और हमें फाइंड क्या करना है, द क्लास कोरस्पॉन्डिंग टू क्लास मार्क 20। हमने क्लास निकालनी है, क्लास का मीन क्लास इंटरवल,
जिसमें बेटा हमारे पास लोअर लिमिट होती है पहले, टू अपर लिमिट इस फॉर्म में होती है, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट। और जैसे ऑप्शंस भी दी हुई हैं इसमें, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट इस फॉर्म में होती है। तो हमने ये निकालना है क्लास मार्क 20 के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सी क्लास है फ्रॉम ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी में से, विच वन इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू क्लास मार्क 20। सो इसके लिए बेटा हमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों फाइंड करनी होगी। लोअर लिमिट का फॉर्मूला है क्लास मार्क माइनस हाफ क्लास साइज, और अपर लिमिट का फॉर्मूला है क्लास मार्क प्लस हाफ क्लास साइज। अब क्लास मार्क तो हमें 20 दिया हुआ है, बट अब क्लास साइज क्या रहेगा बेटा? क्लास साइज हम कंटिन्यूस क्लास मार्क्स जो होते हैं ना, जैसे 20 और 15, 25 और 20, इनके बीच का डिफरेंस हो सकता है क्लास साइज। सो लाइक 25 माइनस 20 विल बी द क्लास साइज, सब में कितने कितने का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है, तो क्लास साइज 5 हो गया। तो क्लास मार्क इज 20, फाइन, 20 माइनस हाफ क्लास साइज 1/2, और क्लास साइज कितना बेटा 5, इन दोनों को माइनस कर दो, 25 माइनस 20 5, तो ये हो जाएगा 20 माइनस 2.5, 5 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 2.5 आता है, और माइनस करके 17.5, तो लोअर लिमिट 17.5 हो गई। व्हाट अबाउट अपर लिमिट? क्लास मार्क तो हमें 20 ही रखना है, प्लस हाफ क्लास साइज, और हाफ क्लास साइज अभी अभी हमने फाइंड किया, वो सेम रहेगा जो लोअर लिमिट में था, वही अपर लिमिट में भी क्लास साइज तो सेम होगा, तो प्लस 2.5 कर देंगे, विच इज इक्वल टू 22.5। सो क्लास कौन सी फॉर्म हुई? पहले लोअर लिमिट लिखेंगे 17.5 टू 22.5, और ये किसके कॉरस्पॉन्डिंग है? ऑप्शन बी के। सो ऑप्शन बी इज आवर आंसर। इन द क्लास इंटरवल्स 10 to 20, 20 to 30, द नंबर 20 इज इंक्लूडेड इन। बेटा अगर हमें क्लास इंटरवल 10 to 20 दिया और 20 to 30 दिया, इट इज़ अ कंटिन्यूस सीरीज। कैसे कंटिन्यूस है? बिकॉज अगर आप फर्स्ट क्लास इंटरवल का आप अपर लिमिट देखो और सेकंड क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट देखो, दोनों सेम है कि नहीं, 20 20, तो इसके मतलब ये कंटिन्यूस क्लास इंटरवल है। और कंटिन्यूस क्लास इंटरवल में अगर मान लो हमारे पास 10 to 20 है, तो उसमें हम 20 को एक्सक्लूड करते हैं, एक्सक्लूडेड होता है 20, और 20 को किस में इंक्लूड करते हैं? नेक्स्ट वाली क्लास में। और तो इस तरह से जो हमारे नंबर 20 है वो किस में लाई करेगा, किस क्लास इंटरवल में लाई करेगा? इट विल लाई बिटवीन 20 to 30। सो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, 20 to 30। अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल विद द क्लास इंटरवल ऑफ इक्वल साइजेस यूजिंग 250 to 270, इन विच 270 इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस इंटरवल एज वन ऑफ द क्लास इंटरवल, वन ऑफ द क्लास इंटरवल 250 to 270 है, इज कंस्ट्रक्टेड फॉर द फॉलोइंग डाटा, इस डाटा के लिए हमने कंस्ट्रक्ट किया, फाइन। और हमसे पूछा गया है बेटा इस क्वेश्चन में द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास 310 to 330 की फ्रीक्वेंसी बतानी है। फ्रीक्वेंसी मीन्स डेट इन द क्लास 310 to 330 हाउ मैनी नंबर्स आर देयर। तो बेटा इसमें ध्यान रखना है, हम 310 तो इसमें इंक्लूड करेंगे, बट 330 विल नॉट बी इंक्लूडेड एज क्वेश्चन में मेंशन है। जैसे 250 से लेके 270 में 270 नॉट इंक्लूडेड है, तो इसी तरह से 310 टू 330 में 330 हम इंक्लूड नहीं करेंगे। सो अब हम केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे ईच नंबर को, विच विल बी इंक्लूडेड इन दिस क्लास 310 टू 330। 268 नहीं होगा, 220 भी नहीं होगा, 368 भी नहीं होगा, 258 भी नहीं होगा,
242 नहीं होगा, लेकिन 310 विल बी इंक्लूडेड। अगेन 278 नहीं होगा, 342 नहीं होगा, अगेन 310 इंक्लूड होगा। 290 नहीं होगा, 300 भी नहीं, इसके बीच में नहीं आ रहा। 320 विल बी इंक्लूडेड बिकॉज इट लाई बिटवीन 310 टू 330। 319 भी इंक्लूड हो जाएगा बेटा, बट 304 विल नॉट बी इंक्लूडेड। 402 भी इंक्लूड नहीं होगा, 318 इंक्लूड हो जाएगा। फाइन, देन 406 नहीं होगा, 292 विल नॉट बी इंक्लूडेड, 354 भी इंक्लूड नहीं होगा, 278 भी इंक्लूड नहीं होगा, 210 भी नहीं होगा, 240 भी नहीं होगा, और 330 विल नॉट बी इंक्लूडेड बिकॉज इसमें हमने जैसे कि 270 नॉट इंक्लूडेड है, इस वाले इंटरवल में सिमिलरली 310 और 330 में भी हम 330 को इंक्लूड नहीं करेंगे, बट 316 इंक्लूड हो जाएगा। एंड व्हाट अबाउट 406 नहीं होगा, 215 भी नहीं होगा, 258 भी नहीं होगा, और 236 भी नहीं होगा। सो हाउ मेनी नंबर आर इंक्लूडेड इन दिस क्लास, लेट अस काउंट। 1, 2, 3, 4, 5, 6 सिक्स नंबर आर इंक्लूडेड। सो आवर आंसर इज सी, 6।